वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। स्वागत है जी अपने मान डेयरी फार्म तैन चक यूट्यूब चैनल पर। तो बई जी, अज जिवें पिछली वीडियो च गल करी सी आपां वी डेयरी फार्म की शुरुआत किवें करिए, तो उस गल नूं ही अगे वधाउणे आपां। तो कई भरावां दे मैसेज आए, फोन भी आए भी शैड बारे भी पुछदे सी, इहदे बारे भी आपां गल करांगे। तो जिवें पिछली वीडियो गल करी आप भी किन्ने लीटर वाली गां अपने वास्ते सही है, भी जिहड़ा शुरुआत करता है कोई डेयरी फार्म की, जिवें जिहड़ा साढ़े मतलब असी शुरू करिया, सानू पता लग्या भी आप जे शुरू करते हैं तो भी प्लस घट तो घट भी तो वध 25 लीटर उत्ते गां ना हो, किन्नी क्वांटिटी गावं आप लियाईए, है ना, किनिया गावं तो शुरुआत करिए। तो दो घट तो घट दो वध तो वध पंज पांच गावों तो शुरुआत करिए, तो फिर आप मैनेजमेंट प्रोपर रख सकते हैं। दूजी गल, जे चार पांच गावों का वास्ते शैड दे पहला जे आप शुरुआत कर लीए तो वह अपने वास्ते गलत हो जूगा। चार पांच गावों तो जिवें आप नॉर्मल तरीके पहला रखी जाने, कोशिश ये कर लीए कि उन्होंने खुलियां छड़न की कोशिश कर लीए, भी उन्होंने गल च रस्सा ना हो, जिन्ना चेर आप पट्ठे खवाने या दाणा फीड खवाने उन्ना चेर उन्होंने आप रस्सा पा के रखिए, संगल पा के रखिए। उदू बाद मान लो भी 22 घंटे खुलियां रहन, घंटा घंटा तड़के हथ ने मान लीए तो 22 घंटे वो खुलियां रहन, आपका पानी तानी आपे पीन, वह जिन्ना उन्होंने चाहिए उन्नी लोड़ मुताबक वो आपका पानी पी लैन, छावे बैठन धुप्पे बैठन अपनी टेंशन फ्री है। जिथे पशु को सही वातावरण च जी करूगा उत्थे ही बैठना है पशु ने पशु ने। तो जे आपां पंज गावां लिया के जे आपां आखदे वी हुण शैड पा लईए, शैड ते 1.5-2 लाख रुपया इनवैसट कर दईए, तो वह फिर गलत हो जाता है, क्योंकि आप जे ऐ भी सोच लीए भी इन्हां दीआं गावां दी आमदन तो ही शैड पा लईए तो वह भी गलत हो जाता है, क्यों वह आमदन आपां नूं किसे टाइम लोड हुंदी है, भी जिवें अगे दुध घट गया उदों मैनेजमेंट की लोड़ पैंदी है, फीड चारा की भी लोड़ पैंदी है, जिवें गब्बण गावां तो अपने कोल जे इस चो ही पैसा इनवैसट दूजे थां ते कर दईए, जिहड़ा डेयरी चो कोई बचत आउंदी है वह दूजे थां ते कर दईए, तो जदों गब्बण गावां हुंदियां उन्हां नूं फीड नहीं पैंदा गा, मतलब उदों ड्राई फीड की लोड़ हुंदी है, दुध की आमदन तो अपने कोल हुंदी नहीं, उदों ड्राई फीड की जां साइलेज की जां कोई होर जिहड़ी कोई दवाई बूटी है उहदी लोड़, उदों अपने कोल पैसा नहीं हुंदा, उत्थे जाके फिर मात खा जांदा बंदा। मतलब कोशिश ये करिए कि जिवें साल भर जिवें चलिया तो उस पैसे की आपां बचत करके रखिए। ये दिक्कत सानू आई सी, असी यही पैसा जिवें इधरों कढ के शैड ते लाता दूजे पासे लाता, तो फिर वह जदों गर्मी च जाके जां गर्मी च मान लगे जां जदों ड्राई टाइम आउंदा है दुध छड्डन दा टाइम आया जांदा उदों अपने कोल उह व्यवस्था फेर नहीं बनदी, जो उदों फिर आपां घर आनियों पैसा कढदे आं तां फिर ऐ लगदा वी असां दे बचदा कुछ नहीं। ये दिक्कत आउंदियां, ये दिक्कतों तो आपां तां ही बचांगे जे मान लो भी आपां पैसे दी जदों अपने कोल जिवें जां दसंबर तो लै के दसंबर तो नहीं कह सकते आप अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दसंबर जनवरी फरवरी तो मार्च 6 महीनों का अपने को दुध 6-7 महीने बनते, जो 6 महीने का अपने दुध के पैसे अपने को जो कोई कट्ठे करे हुए है तो वह फिर अगे काम आ जाएंगे। ये सिर्फ लोड़ पैंदी है कोई 2 साल 2-3 साल उदू बाद अपना कोई पशु भी विकन लग जाता है, मतलब पशु जिमें बच्छिया तैयार हो गई पुरानियां बेचतियां फिर सैटिंग बह जाती है, घट्टो घट 4-5 साल लगते हैं जे आप सही मैनेजमेंट न चलोंगे तो डेयरी फार्म कामयाब कर वास्ते। तो जिवें साड़ी थोड़ी लैनमेंट आउट हो गई, असी आपके मूँह कहने बई असी नहीं कह सक नहीं कहते भी असी बहुत ही वड्डे कामयाब डेयरी फार्म बन गए, नहीं बने अजे तक साढ़े तो चिचड़ नहीं मरे गावों के, होर तो वड्डी गल है, चिचड़ा तो भी बहुत बीमारियां फैलदियां, चिचड़ नहीं लगने चाहिए सोच लो। अज ही गल करी सी बई हरमीत नाल गल करी सी, मैं कहा बई यार चिचड़े नहीं मरते यार, रोज़ ही स्प्रे करी जाने तो इन्हां दे हाईटैक टीका लाउणा हाईटैक तो वह नाल थले स्प्रे करनी है लैमडा, तो ये इन चीज़ा छोटिया छोटिया गलों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दूजी गल हूँ शैड की गल करा, एक बई का आया सीगा भी शैड किवें तैयार करिए, साढ़े एरिए हुंदा नहीं है शैड, ये अपना जिहड़ा बनया हुआ कान्या का शैड बनया हुआ, विच इहदे विच बांस कान्ने उपरले पासे टीना भी है, मतलब पानी दो थले आ दे, तो लोहा जिहड़ा अपना सस्ता लिया हुआ जिहड़ा कवाड़ चाहुंदा वह सारा लोहा लिया हुआ, तो शैड की लंबाई चौड़ाई 30x50 है, हूँ इन खुरनी वधाया हुआ कि गावं बेचिया से आप चार कई कह लग गए भी इन्हें छड़ता डेयरी का कम, तो आप खुरनी वधाई थी वो कोई गावं बेचिया जोड़ा कोई कारण सगा, खुरनी वधाई भी अपनी हौली हौली पशु हम वधाने आप वधिया मैनेजमेंट ना कम करना, हूँ समझ लो भी नवे तरीके से दुनिया फिर चलना पैना,
वैसे तो बच्चियां अपनी 4-5 बच्चियां तैयार हो गई, अपनी घर दिया बच्चियां भी तैयार हो गई, तो गावं भी है 6-7 गावं, बाकी 4 बेचती अभी, बाकी 3-4 गावं हूँ अगे प्लैन चली जाता लैन का, जिड़ियाँ आप हूँ कुछ महीने 20 दिन तक करवाने हैं। गर्मी के कारण ही रुके आए, बाकी पशु धंधा पशुओं का बहुत वधिया है, खेती नालों भी खेती भी अपना चलो पुश्तैनी धंधा है, इनू मतलब बराबर नहीं कर सकते, इनू खेती भी ठीक है, पर खेती च हम थोड़ी प्राकृतिक आपदा ज्यादा आने लग गई, जिमें ऐतकी नरमे ने सूडी मार गई, पिछले कड़े पंजाब मार गई, ऐतकी राजस्थान च मार गई, गर्मी मार गई, तो ये चीज़ा कदम मौसम जिमें पंजाब हड़ आ गई मौसमी आ गई, ये दिक्कत चलो आदि, तो यह भी है हरेक कोई भी धंधा कर लिए आप चलो उस बनी बनाई है, लाभ हानि तो दो पहलू है, यह बनी बनाई गल है, पर हौसला नहीं छड़ना चाहिए, चलो अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चंगा दिन जरूर आऊगा, तो बाकी मेहनत थोड़ी जी आपकी मेहनत है ज्यादा है, मेहनत इस धंधे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ड्यूटी हो जाती है सवेरे शाम, कई तो बंदा इस काम तो अक जाता है भी अपना बाहर अंदर जाना आना बंद हो जाता है, तो फिर इस धंधे को छड़ दें आप, पर बाकी जे आप सरकारी नौकरी लगे हुई है तो भी तो फिर वो ड्यूटी होंगी है, जे इन पूरा उस हिसाब न समझिए तो यह काम माड़ा नहीं कह सकते, ये आपका घर का धंधा है, वधिया धंधा है, तो जेडे बई करते हैं जरा करना स्टार्ट करना चाहते बेज बेज करो, पर चलो पूरी मैनेजमेंट नाल ताकि अगे दिक्कत ना आन, तो कोशिश ये करके बई जी आप जिमें पशुओं का रात वाला तो दिन वाला पार्ट भी अलग अलग होवे, तो चिक्कड़ साफ सफाई ये चीज़ों का बहुत फर्क रहिंदा, जिमें खुले पशु होण, वैसे तो खुले पशु होण तां अपनी भी सुख सुविधा वध जाती है, खोल के पानी नहीं पिलाउणा पैंदा, खोले पशु तो जिमें कोई जे बझा पशु है तो वो थल गोहा गा वो हटाना पैंदा, तो जे खुला है तो आपकी मर्जी ना सुके थां ते बहिंदा, पशु बहुत स्याणे हुंदे आ, मतलब सुका गिला वेख के बहिंदे आ, आपदा सूंघ के बहिंदे है ना, तो अपने की है रात का अड बनाया हुआ, वो देखो सामने उत्थे रात को अपने आप ही इन्होंने निकल जाना उधरले पासे, वो रात को उधर आपदा तुरै फिरा करते फिरते रहेंगे बैठे रहेंगे, खुली हवा लगती है, कोई हवा का पखा पूरी गर्मी च आप पखा कुछ नहीं लाया उ, मतलब खुली हवा चलती रहती है, तो दिने मतलब जो तड़के सवेरे इन्हों इतने पट्ठे पाई दे है, उतों चल के इतने आ जाते हैं, इतने अपना बन लेते हैं, घंटा 1.5 घंटा बनते हैं व्डिया गावान, उदू बच खुलियाँ ये बछियां बई जी ता बनियाँ, कई आखन यार आप तो बनी बैठा दूजे मता दे जाता है, ये बछियां ता बनिया कि अपने थोड़े जे बांस बन्ने नहीं गए, व्यवस्था नहीं बनी, जाली लियानी, जाली मंगाई भी है, जाली लिया के इस पासे बछियां का करना आप, ताकि बछियां खुलियां रहन, तो खुले जिमें वी बछी का खुले तड़ाफे तड़ूफे मार के इन्हों का शरीर वधिया रहिंदा है, तो इन्हों इस पासे खुलियां कर देना आप, बनिया त भी ये बांसा चो बहर निकल जाएँ तो फिर ये फटिया ही नहीं जाएगा, तो यह त करके बनिया, तो बाकी बई जी जे 2-3 पार्ट अड्डो अड्ड बने हो भी अगर बनाई जाने, जिमें ड्राई गावं का अड्ड बनया हो वे फार्म जिमें होंगे आप भी छोटे फार्म भी उस हिसाब न कर सकते जे करिए, तो मैं भी सोची जाना भी हूँ इनू अलग अलग दो जिमें जड़िया गावं सून वाली गभन एक पास करके, बच्चियों एक पास करके, दुध देने वाली एक पास करके, तो उधर रात को भला इकट्ठिया हो जाए कोई चक्कर नहीं, बच्चियां तो उधर रात को नहीं जाते क्योंकि बच्चियों तो इधर ही रखते हैं, क्यों उधर बांसा च फिर निकल जाए, ये क्यों बच्चियां शरारती ज्यादा होंगे जवानी च, तो फिर वो दिक्कत आती है पता ही है, तो भाई जी बाकी आप यही गल करा लास्ट में वीडियो दे भी इस काम को करो, पर पूरी मैनेजमेंट लैके ही करो, किसी चंगे फार्म दे मतलब पुछ पुछ के काम करो, जिहड़ियां मतलब भी आपां नूं दिक्कत ना आउण, क्योंकि इस बीमारियां वाधे घाटे बहुत है, तो वो छोटिया छोटिया गल्लां दा ध्यान रख के आपां फार्म नूं छेती कामयाब कर सकते हैं, तो वीडियो नूं जे चंगी लगे तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करो भाई जी, तो बाकी कहण वाले ने कही जाना हुंदा है, करण वाले ने करी जाना हुंदा है, तो बस एक आसे पासे दा ध्यान बंद करके सीधा मंजिल ते अपने लक्ष्य रख के पूरा भी उस लक्ष्य ते आपां पहुंचना तुरे रहिए तो आपां आपदी मंजिल ते पहुंच सकते हैं, धन्यवाद भाई जी, सत श्री अकाल, राम राम।